नई कहानी आ गई दोस्तों, बीरबल और उनकी माताएं। एक बार अकबर और बीरबल हमेशा की तरह अपने बाग में टहल रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक तुलसी का पौधा दिखा। तो मंत्री बीरबल ने झुककर तुलसी माता को प्रणाम किया। तभी अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल बोले, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और बोले, कितनी माताएं हैं तुम लोगों की, मुझे ये समझ नहीं आता बीरबल। बीरबल को उनका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे बीरबल को एक खुजली वाला झाड़ का पेड़ दिखा। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो मेरे पिताजी। अकबर को फिर से गुस्सा आया और बादशाह अकबर ने अपने दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने का प्रयास किया। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी। तो अकबर बोले, बीरबल ये क्या हो गया, मुझे खुजली क्यों हो रही है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरी माँ को मारा ना, इसलिए ये यानी मेरे पिताजी गुस्सा हो गए। अकबर जहाँ भी हाथ लगाते खुजली होने लगती। बादशाह अकबर परेशान होकर बीरबल से बोले, बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ, मुझे चैन नहीं पड़ रही है। तभी बीरबल बोले, उपाय तो है महाराज, लेकिन वो भी हमारी माँ हैं तथा उनसे आपको विनती करनी पड़ेगी, तभी आपको उसका उपचार मिलेगा। यह सुन अकबर बोले, जल्दी करो बीरबल। आगे एक गाय खड़ी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज गाय से विनती कीजिए कि हे माता मुझे दवाई दो। बादशाह अकबर ने ठीक वैसा ही किया। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर ने शरीर पर उसका लेप किया और फौरन खुजली से राहत मिल गई। तभी अकबर बोले, बीरबल अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? तब बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है, उनसे भी आपको विनती करनी होगी और आपकी त्वचा साफ हो जाएगी। सामने ही गंगा नदी बह रही थी। महाराज आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और नदी में कूद जाइए। और बादशाह अकबर ने ठीक ऐसा ही किया और नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता, ये सारी माताएं तो जगत माता हैं, इनको मानने वालों को ही सच्चे हिंदू कहते हैं। आज मैं ये सब समझ गया। बीरबल आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ये लो 100 सोने की असरफियाँ। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।